हेलो दोस्तों, तो इस सेमेस्टर से डीएसए 4ईए का है, फिर जिसका मेजर पावर है, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर, ठीक है। तो आप लोगों को पहली बात तो ये कभी घबराना नहीं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है नहीं है, सो पहले कंफर्म आप लोगों को हो लेना है, ठीक है। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर का है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर डीएसए। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विदेश नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करना, ठीक है। यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण करना था, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आलोचनात्मक परीक्षण का नहीं है, ठीक है। बस सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का विदेश नीति, और अगर आलोचनात्मक पर आ जाता है तो आपको कैसे करना है मैं बताते देता हूँ, ठीक है। आलोचनात्मक मीन्स होता है इसका उल्टा करना, इसका उल्टा प्रभाव करना, मतलब उल्टा अच्छाई नहीं बल्कि इसका बुराई। तो बुराई कैसे लिखोगे, जब अच्छाई आपको पता चल जाएगा तो बुराई ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, जैसा कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। पहले आप लोग अच्छाई से को देख लो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ कैसे, तो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला शीत युद्ध के बारे में, वो अगर देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। जब सोवियत संघ विघटन हो गया 1991 में, इसका खत्म हो गया पूरा, तो इसी से बगल एक रूस का आगमन हुआ, ठीक है। और रूस किस प्रकार से मतलब दुनिया में छा गया, विदेश नीति इसने कैसे अपनाया वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विश्व राजनीति में कम भूमिका, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना तो इसका शक्ति कम हो गया, और जब शक्ति कम हो गया ना, देखो अभी रूस और सोवियत संघ आप लोगों को लग रहा हो कि अलग अलग है, फिर ये मैटर क्या हो रहा है, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो फिर रूस का कहाँ से बात चल रहा है। तो अभी एग्जाम में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आप लोग अभी ये समझ के चलो कि सोवियत संघ और रूस एक है, ठीक है। तो जब सोवियत संघ खत्म हुआ था, फिर इसका जो रू आने सोवियत संघ का जब खत्म हुआ था, फिर सोवियत संघ का विदेश नीति कैसा रहा ये आप लोग समझो, ठीक है। तो विश्व राजनीति में कम भूमिका, इसका विश्व के राजनीति में कम भूमिका रह गया, क्योंकि जब विघटन हो गया इसका, तो विघटन की वजह से ये बिल्कुल शांत रह गया, और इसका जो विश्व में है वो राजनीति में कम भूमिका होने लगा। जहाँ ज़्यादा इसका दिलचस्प था, जहाँ ज़्यादा वर्चस्व था, वो वर्चस्व कम होने लगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, और ये क्या कर लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जहाँ भारत भी एक शामिल है, तो उसके साथ क्या होने लगा, ये सहयोग करने लगा। पहले जहाँ सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था उसने उसका सहयोग नहीं कर रहा था बल्कि उसका निंदा कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, उसका सहयोग कर रहा है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन इसी टाइप से कर देना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ टॉपिक्स को। तीसरा है अमेरिका के साथ सहयोगी नीति, ये अमेरिका के साथ ही, अमेरिका के वजह से ही क्या हुआ था, इसका विघटन हुआ था सोवियत संघ का, लेकिन फिर बाद में जाकर के अमेरिका के साथ किसी न किसी रूप से सहयोग का नीति अपनाना स्टार्ट कर दिया। चौथा, चीन के साथ संबंध, ये चीन के साथ इसका सीमा लगता है, ठीक है। तो चीन के सीमा के साथ भी क्या होने लगा, इसका जो विवाद था वो खत्म होने लगा, और आपस में दोनों बात करने लगा, और कहा कि जो सीमा पर है वो सैनिक को कम कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग में एकता हो गया, अब हम लोग लड़ाई ज़्यादा नहीं लड़ेंगे, इसका ये कहना था। पांचवा, जापान के साथ संबंध, इसका जो संबंध था वो जापान के साथ भी संबंध बढ़ने लगा। छठा, रूस के साथ अमेरिका और परमाणु की कमी, इसने क्या कहा, रूस के साथ क्या हुआ, इसने अमेरिका और जो इसका परमाणु में जो भी सब बहुत ज़्यादा बना रहे थे अमेरिका, उसमें कमी करने को कहा, क्योंकि अब इनका लड़ाई लड़ना बिल्कुल इसका विचार नहीं था, इसलिए अमेरिका के जितने भी सारे परमाणु में थे उसमें कमी कर दिया गया। सातवां, भारत और रूस का भी संबंध बहुत पुराना है, इसके पहले भी मैंने भी बता रखा था कि भारत को हमेशा रूस मदद करते आया है, जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था तब भी, और विघटन होने के बाद भी इसका संबंध अच्छा रहा। सीमा विवाद की समाप्ति, रूस का जो सीमा यानी सोवियत संघ है उसका जो सीमा है वह चीन से लगता जुलता है, तो जो चीन का जो और इसके बीच में जो सीमा विवाद था ना उसे भी खत्म कर दिया गया। तो आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा 2 से 3 पेज में आपको कर देना है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा 5 नंबर वाला माता है कि 20 नंबर या 10 नंबर कैसा आता है, उसी हिसाब से आपको करना है। टेलीग्राम में एमसीक्यू क्वेश्चन भेज दिए, वहाँ से आपको जाकर के देख लेना, ठीक है। वीडियो भी आएगा 1-2 आवर शायद, तो आपको हो सके टाइम बच रहा है तो देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।